हाँ डॉक्टर साहब, ये कि पहली बात ये कि हमने इंजीनियर्स को सुना थोड़ा सा, हालांकि आपने बता भी दिया था, परेशानी है। परेशानी लोगों को ये है कि कोई बिजनेस करता था, कोई कोच कोई और कोई काम करता था, वो आज परेशान है। कहते हैं कि अलग अलग तरह की एजेंसियों की वजह से परेशानियाँ हैं। क्यों ये कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऐसे माहौल में क्या करें? देखिए, हम लोगों को सबको इकट्ठे इसका हल निकालना। अगर हम इसका हल नहीं निकालेंगे तो यहाँ पे बर्बादी ही रहेगी। आप देखिए, ये यूथ आया है, ये खुद अपने पाँव पे खड़े हैं, ये चाहते हैं कि इनको एवेन्यूज मिले। उन एवेन्यूज के लिए हमें तलाशी करनी है। वो अगर हम वो नहीं कर सकेंगे तो ये जो ड्रग्स का यहाँ पे कारोबार शुरू हो गया हमारे यूथ में, ये बढ़ता जाएगा और हमारे लिए बेहद सख्त मुसीबतें आगे आने वाली। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी और जमात की तरफ से भी कोशिश करूंगा जितना हम इनकी मदद कर सकेंगे, इनके लिए वो एवेन्यू खोल सकेंगे, और पार्लियामेंट में भी हम कोशिश करेंगे इसको उठाने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसकी तरफ तवज्जो दे कि जितने इनके लिए एवेन्यू खोल सकेंगे उनसे हमारे बच्चे भी बच सकेंगे और हम ड्रग से भी निकल सकेंगे। सर, अभी परसों बयान आ गया गवर्नर के मुशीर का कि ICDS के मुलाजमीन को, कई मुलाजमीन को निकाला गया, और अब ये कहा जा रहा है कि वो मुलाजमीन गलत लगाए गए थे और पुरानी सरकार पे, खासकर तौर पे आपकी सरकार पे ज्यादा रही है। सीधी सी बात, देखिए मैं आपसे बात करूंगा, हमने लोगों को नौकरियाँ दी कि वो जिंदा रह सके। हमने कोई उसमें ये नहीं कि कोई करप्शन की हो कि हमने पैसा लिया हो, हमने उसका दरवाज़ा खोला सबके लिए कि किसी ना किसी तरीके से वो बच सके, मुश्किलों से निकल सके और गलत कामों में ना लगे। और अगर गवर्नर साहब उनको निकाला है, उन्हें गलत किया है, ये बहुत गलत काम किया है इन्होंने कि उनकी रोजी रोटी छीन ली। अगर उनकी रोजी रोटी छीन ली, अब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कैसे बचेंगे? उनके माँ बीमार है, बाप बीमार है, कैसे उनका इलाज हो? ये गलत पल्स। इन्हें तो हमसे 50,000 वादा किया था नौकरियां लगाएंगे, कहाँ है वो 50,000 नौकरी? उसके बजाय नौकरियां लगाने के बजाय लोगों को निकाल रहे हैं जो साला साल से नौकरियों में लगे हुए हैं। ये गलत है और गवर्नमेंट को इसको इससे बाज रहना चाहिए। मिलिटेंसी लीग्स निकाल रहे हैं, या तो फिर अगर वो ढूंढे, अगर यही करते रहेंगे तो मिलिटेंसी को ये दुखा नहीं सकेंगे, ये और बढ़ जाएगी और इनके लिए और मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। सर, डिलिमिटेशन की का ड्राफ्ट आ रहा है, आपसे बात है? अभी हमसे कोई बात हुई नहीं उनकी कि कब आ रहे हैं, कब बात करना चाहते हैं, कोई भी मुझे ऐसा मसौदा नहीं आया। सर, आपके पास आपसे कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, अभी तक कोई बात ही नहीं हुई है। वो जब आए थे हमने उनसे पूछा, उन्हें कहा ये तो प्रिलिमिनरी चीज है, क्योंकि नहीं तो मेंबर पार्लियामेंट को उसका हिस्सा लेना है, उसमें बैठना है हमने, मगर हमसे अभी तक कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, मैंने आपको अभी सुना, आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे पार्टियाँ खड़ी होती हैं। मैंने भी उमर साहब से कई बात की, वो भी कहते रहे हैं कि जम्मू में इतनी पार्टियाँ खड़ी नहीं होती, यहाँ तो रोज एक न एक मैं ये चाहते हैं जनाब कि हम मुसलमान डिवाइड हो जाएं और वो अपना घोड़ा चला सकें। ये उनकी बहुत, ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उनकी हर वक्त रही है और आगे भी रहेगी। हमने इसका मुकाबला करना है। यूनिटी इज द ओनली वे वी कैन डिफीट दीस पीपल। सर, PAGD एक यूनिटी ही थी, लेकिन ऑन ग्राउंड अलग अलग पार्टियां लड़ रहे हैं, आप किसी हद तक देखिए, हर पार्टी का अपना निज़ाम है, बट हम यूनाइटेड हैं जहां तक कि इस रियासत का सवाल है, 370 का सवाल है, 35A का सवाल है, उस पर हम सब यूनाइटेड, उसमें कोई फर्क नहीं है। सर, कर क्या रहे हैं 370 के बारे में? यहाँ पे परसों भी देखिए, हम लोग जितना हमने कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट का ही तो हम इंतजार कर रहे हैं, अभी तक भी कोर्ट की हेयरिंग नहीं आ रही, क्या करें बताइए? हम पत्थर तो नहीं मारते, बंदूक नहीं चलाते, गोले नहीं मारते, हम तो गांधीयन वे से इसको सुलझाना चाहते हैं। अब वो दिल्ली क्या करेगी, उसका उनका काम है। डॉक्टर साहब, थोड़ा इतिहाद के बारे में आप बात कर रहे थे कि हमें मिल के लड़ना होगा, आप भी कहते रहे हैं और महबूबा मुफ्ती भी कहते रही हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती एक एक्सट्रीम पे हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किसी भी जगह कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आप MP भी हैं और आप नितिन गडकरी के साथ भी मिलते हैं, क्या आपकी बातचीत कोई होती है? मैं आपसे कहूँगा, MP का फर्ज अलग है, मैंने लोगों के मुश्किलात को आगे ले जाना है, उससे बाहर मैं तो नहीं निकल नहीं सकता ना। अगर वजीर आए हैं
और हमने उनके सामने अपने मुश्किलात रखनी है। नहीं रखेंगे तो फिर लोग कहेंगे आप काम क्या कर रहे हैं, क्यों एमपी बने हैं आप, वो काम तो ज़रूरी है। महबूब मुफ्ती का अपना तरीका है, वो अपने तरीके पर चल रही है, वो जाने और काम जाने। शुक्रिया शुक्रिया सर।